सेवा जोहार साथियों, मैं हूं अजय गोटे और लेकर आया हूं आपके लिए गोंडी भाषा सीखने के लिए एक और नया एपिसोड, जिसमें हम 10 क्रियाओं के बारे में सीखेंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला शब्द है उठना, मतलब कि सोकर उठना। तो इसे गोंडी भाषा में तेदीना या तेदना कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है उठो। उठो को गोंडी भाषा में तेदा कहते हैं। इसी तरह मत उठो, मत उठो को गोंडी भाषा में तेदमा कहते हैं। अगला है उठोगे। उठोगे को गोंडी भाषा में तेदकी कहते हैं। पांचवा है उठकर। उठकर को गोंडी भाषा में तेदची कहते हैं। ये तो हमने जाना जब कोई सोकर उठे या सोकर उठने के बाद उठना को क्या कहते हैं। चलिए जानते हैं अब सामान्य खड़े होना को क्या कहते हैं। खड़ा होना, जिसे गोंडी भाषा में नीलाना या नित्ताना कहते हैं। सातवां है खड़े हो जाओ, जिसे गोंडी भाषा में नीला या नीता कहते हैं। इसी तरह नकारात्मक शब्द खड़े मत हो, इसे गोंडी भाषा में कहेंगे नीलमा या नितमा। अगला है खड़े हो जाओगे। खड़े हो जाओगे को गोंडी भाषा में नील की या नित की कहते हैं। इसी तरह दसवां है खड़े होकर। खड़े होकर को गोंडी भाषा में नीलसी कुन या निच्ची कुन कहते हैं। इसी तरह ग्यारहवां है चलना। चलना को गोंडी भाषा में ताकिना या ताकाना कहते हैं। बारहवां है चलो। चलो को गोंडी भाषा में ताका कहते हैं। तेरहवां नंबर का शब्द है हमारा चलो मत। चलो मत को गोंडी भाषा में ताकमा कहते हैं। अगला शब्द है हमारा चलते हुए या चलकर। तो इसे गोंडी भाषा में कहेंगे ताकसोर या ताकसोड़े। चलना दो प्रकार का होता है, चलिए अब दूसरा प्रकार का चलना जानते हैं। जब हम किसी को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं तो उसे कहेंगे दई। इसे मैं वाक्य के जरिए समझाता हूँ आपको। जैसे आप मेरे साथ चलते हुए चलिए, तो इसे गोंडी भाषा में कहेंगे निमा नावसा ताकसोड़े दई। इस वाक्य में आपके लिए निम्मा, मेरे के लिए नावा, साथ के लिए सा और चलते हुए के लिए ताकसोड़े एवं चलिए के लिए दई, इन गोंडे शब्दों का उपयोग हुआ है। अगला है ऊँघना। ऊँघना को गोंडी भाषा में कुड़कना या कुड़किना या घूंगे मायना कहते हैं। घूंगे मायना का उपयोग इंसान को छोड़कर अन्य जीवों के लिए किया जाता है। इसी तरह अगला है दातून करना। इसे गोंडी भाषा में पलकार कियाना कहते हैं। दातून को गोंडी भाषा में पलकार और करना को गोंडी भाषा में कियाना कहते हैं। अगला है दातून कर रहा हूँ, तो इसे गोंडी भाषा में पलकार किंतना कहेंगे। इसी तरह अगला है दातून कर रहा था। दातून कर रहा था को गोंडी भाषा में पलकार किंदान कहेंगे। इसी तरह हमारा अगला है दातून करूंगा। दातून करूंगा को गोंडी भाषा में पलकार केका कहेंगे। अगला है दातून कर लिया। दातून कर लिया को गोंडी भाषा में कहेंगे पलकार कीतान। यहीं अगर आप किसी को पूछ रहे हों कि दातून कर लिया क्या, तो इसे गोंडी भाषा में कहेंगे पलकार कीती बा। साथियों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कुछ सुझाव हो आपके तो कमेंट कीजिए।
और अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए सेवा जोहार।